पत्रकार बैजनाथ महतो पर हमले को लेकर धरने पर बैठे पत्रकारों ने आज अपना अनशन समाप्त कर दिया। बैजनाथ महतो के हमले के आरोपी बेंगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह ने पत्रकारों के धरने को समर्थन देने वाले संस्थाओं और संगठनों को धन्यवाद दिया है। राजीव है बजे जी, थोड़ा सा टोल जाइए ना। नहीं ठीक है, मैं समाचार प्रेस आभार व्यक्त करती है प्रेस क्लब के तमाम हमारे साथ रहा। दल सोच के आए नहीं थे, अब दल में है तो क्या करें। ये मेरे लिए बड़ा मतलब है कि ये हमारे लिए राजेश जी बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला है। रियली कह रहा हूँ, बहुत मेरे लिए एक इमोशनल क्षण भी है कि हमारे पत्रकार साथियों के लिए इतना बड़ा खड़ा होना इतने लोगों का एक निश्चित तौर पर एक मतलब उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि नेक्स्ट वोट आगे क्या है? शहर झारखंड के तमाम पत्रकारों का इतना बड़ा सपोर्ट मिला, इतना मनोबल बढ़ा और सच में हम भाव विवल हैं। ईश्वर करे कि ये शक्ति रहे और आज आप लोग सामने में समाचार प्लस के बिहार में मैं भी कह रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर सर भी कह चुके हैं, सिर्फ समाचार प्लस नहीं दूसरे किसी भी पत्रकार के साथ अगर कोई भी इस तरह की समस्या आती है, कोई घटना दुर्घटना होता है तो हमारा बैनर आर्थिक तौर पर शारीरिक तौर पर हर प्रकार से खड़ा है। दूसरी बात है सर, आप लोग जो कह रहे हो ठीक है, अभी रुकना नहीं, अभी आप लोग एकजुट करो ठीक है। यही कोई छोटा छोटा जो हैपनिंग मिस हैपनिंग जो भी बोल लो कुछ होता है ना तो लोग को इकट्ठा कर पाए, अगर अभी कर पाए तो कर लोगे ठीक है, नहीं कर पाओगे सब अपने अपने काम में बिजी हो जाओगे, चार पाँच दिन के बाद किसी को 10 दिन लग गए। और उसी वक्त जो लगेगा हम लोगों ने मतलब अपना तय किया कि डीजीपी के पास जाना, सीएस के पास जाना, उसका भाव शुरू हुआ, सारे लोग आए और इसका परिणाम जो अगर भगवान ना करे किसी का कुछ चल रहा है कहीं किसी का डेथ भी हो जाए तो हम लोग उनके लिए भी पॉलिसी लाते थे मतलब के पास रहेगा, चाहे हमारे पास जो भी इम्प्लॉज हों इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्योंकि हम लोग इसके अलावा भी हमारी कंपनी है, तो ये हम लोग थ्रू आउट चाहे हमारे पास प्यून हो, चाहे हमारे डायरेक्टर हो, चाहे हमारा कोई भी इम्प्लॉज, ये सबके सामने। देखिए प्रेस क्लब ने अपने धरने को जारी रख करके और आज जो है निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस बात को राजेश जी ने साबित किया है कि खुद ही को प्रबलन इतना आप पूछे खुद से कि तेरी रजा क्या है, वो बात आज साबित होती नजर आ रही है। पुलिस की सफलता तो है लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रेस क्लब का इसलिए है कि शायद इतना प्रेशर नहीं बना होता तो शायद इस संजीदगी के साथ इतनी जल्दी उद्भेदन नहीं होता। ऐसे कई मामले आते हैं जब पुलिस के पास कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम कहेंगे पुलिस के मुखिया से, डीजी साहब से, आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम ऐसे थानों को निर्देश दिया जाए कि जब कोई आवेदन पड़ता है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि घटना का इंतजार करेंगे, घटना घट जाएगी उसके बाद कोई पहल करेंगे और उसके लिए फिर धरना देना होगा तब पहल करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर से बराबर लगा रहा इस मसले पर और हमने अधिकारियों के साथ साथ धरने पर भी हमारा आना जाना लगा रहा, ये सही है। लेकिन ये भी सही है कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी हो सकता है और अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है उससे अभी ये लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने भी आग्रह किया है, इन लोगों ने अपना निर्णय लिया है कि धरना तोड़ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि पुलिस को आकर के आश्वस्त करना चाहिए था कि हमने उद्भेदन कर लिया है। मैंने ये धरना कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी बैजनाथ के मामले में उसी समय मैं कहा था कि इसको क्रमबद्ध आंदोलन में चलाऊँगा, आप ही लोगों के समक्ष मैंने कहा था और ये इसमें ये कहा था कि धरना के संदर्भ में मैंने कहा था कि मैं जब तक बैजनाथ पर जो हमला किए हैं वो अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तब तक मैं ये धरना जारी रखूँगा। बैजनाथ
के जो हमलावर थे वो गिरफ्तार हो गए हैं, आज वाइंड अप हो रहा है। लेकिन ये क्रमवार जो आंदोलन का जो हमारा है, चूँकि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ ये मुद्दा नहीं है। और कम से कम इस मामले को लेकर के जो पत्रकार एकजुटता हुई, खास करके मैं मतलब तमाम जो आंचलिक पत्रकार हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे भी मैं कहीं भी जाता हूँ, अखबार में इतने वर्षों का मेरा अनुभव रहा है, पत्रकार की मीटिंग में भी मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अंचल के जो पत्रकार हैं वो हमेशा अखबार की रीढ़ होते हैं। और इस प्रेस क्लब के लिए भी उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि ये प्रेस क्लब के भी रीढ़ वही है। जो मूवमेंट चल रहा था, जैसे ही उन लोगों का जो आया समर्थन, और उसके बाद हर जगह पर डीएसपी साहब की आवाज़ को, थाना को, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को, वो लोग अपना धरना प्रदर्शन किए, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। और जो एकता प्रदर्शित हुई वो मैसेज गया, उससे कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बना, और पुलिस पर दबाव बनने के कारण ये रिकवरी हुई। अदरवाइज जिस तरह से पुलिस, रांची पुलिस कर रही थी, जितना स्लो मोशन में काम कर रही थी और जो कार्यशैली थी, उससे मुझे लग रहा था कि एक डेढ़ महीना तक मुझे धरना पर बैठना पड़ेगा। और मैं भी था, रिजिड था कि जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक मैं बैठा रहूँगा। 8 दिन फिर भी लग गए, 7 दिन तक तो धरना पर बैठे हम लोग, और घटना की को हुए 10 दिन हो गया। लेकिन आखिरकार चलिए सफलता मिली, और सारे साथियों के ये कहने पर आज मैं ये धरना कार्यक्रम को अब मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था कि गिरफ्तारी हो जाएगी फिर तब तक मैं बैठूँगा, आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन ये जो हमारा आंदोलन है और भी कई मुद्दों को लेकर के, ये अनवरत जारी रहेगा। हम लोग समय समय पर बैठेंगे, बहुत जल्दी बैठेंगे। दूसरा कब कैसे क्या करना है उस पर अपने सारे लोगों से, अपने साथियों के साथ में बैठ करके प्रेस क्लब के, और उस पर हम लोग आगे रणनीति बना करके आगे काम करेंगे। ये जो लॉ जला है ये अब इसे मैं बूझने नहीं देना चाहता। जब टूटती है आग, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।